महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही सामाजिक संस्था सुकन्या सामाजिक जनसहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी के द्वारा संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 131वीं जयंती चास के कुंवर सिंह कॉलोनी स्थित प्रधान कार्यालय में संस्थापक अमल दास एवं प्रशिक्षण प्रभारी निखत प्रवीण के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती छाया चित्र पर पुष्प अर्पित करके मनाया गया। इस मौके पर पहुंचे जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब समता, समानता, बंधुता, मानवता, भाईचारा, सौहार्द, राष्ट्रीय एकता व अखंडता के सूत्रधार के अग्रदूत थे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक के साथ साथ राजनीतिज्ञ, इतिहासकार, कानूनविद, दार्शनिक, अखंड भारत को एक सूत्र में बांधने वाले प्रभावशाली लेखक थे। आज उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर युवाओं को चलने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर गरीब एवं असहाय परिवार की लड़की की शादी हेतु 5,000 चेक सौंपकर सहयोग किए। इस मौके पर संस्थापक अमल दास ने कहा कि यह संस्था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विगत 4 वर्षों से लगातार कार्य करते आ रही है। पापड़, मोमबत्ती, अगरबत्ती, नैपकिन पैड आदि के प्रशिक्षण दिए जाते हैं जिससे महिला अपने आप में आत्मनिर्भर बन सके। इस मौके पर संस्था के प्रशिक्षण प्रभारी निखत परवीन, धनबाद प्रभारी नसीम अंसारी, जामताड़ा जिला प्रभारी कासिम अंसारी, गिरिडीह एवं हजारीबाग प्रभारी इरफान अंसारी, अशोक दास, श्रीकांत दास, बनवाली बाउरी के अलावा अन्य मौजूद थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। देश आधुनिक भारत निर्माण के लिए एवं भारत की हर वर्ग के लोगों के लिए अपना अधिकार देने का जो संविधान बनाए उस संविधान को आज बचाए रखने की जरूरत है। जो परिस्थिति है इस परिस्थिति में हम समाज के अग्रणी लोगों का दायित्व बनता है कि इस भारत का संविधान यह विश्व का सबसे बृहत्तम संविधान है जिसे बचाने के लिए हम सबको दायित्व लेना होगा और यह मेरा कर्तव्य है। आज़ाद भारत में भी आज युवाओं को अपने हक अधिकार के लिए रोड पर उतरना पड़ रहा है, सड़क पर आंदोलन करने को बाध्य है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? संघर्ष करने का भी जो नियम है ये हमारे संविधान में भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। युवाओं अगर आंदोलनरत है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है और हम लोग चाहेंगे चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो उसके माध्यम से युवाओं को रोजगार देने के लिए एक कार्यक्रम पूरा भारतवर्ष में चले जो रोजगार सृजन कार्यक्रम, क्योंकि देश के जो सरकार की मंशा है प्राइवेटाइजेशन की और अग्रसर हो गया है तो इसमें एक बहुत बड़ा चुनौती है। ये संविधान निर्माता जो भाषा हम लोग देश के सभी के लिए जो काम किए हैं इसके लिए वो काबिल तारीफ है। उसके जैसा महान इंसान अभी हम लोग के नज़र में आता तो क्या इंडिया में नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने 31 भाषाएं और 31 डिग्री और 9 भाषाएं के ज्ञान रखते थे। उसने जो सहन शक्ति के साथ आज संविधान को निर्माण करके खास करके SC ST OBC के लिए जो काम किए हैं उसके लिए वो काबिल तारीफ है। एक समानता का भाव रखने वाले कहीं ना कहीं राजनीतिक के सुचेता थे, कहीं ना कहीं एक प्रकार से कहा जाए तो सबों को अपना एक समानता का भाव से देखा करते थे, क्या कहना चाहेंगे? वो तो बाबा साहब का एक प्रेरणा था कि हम लोग समाज को एक साथ जोड़ने के लिए जो कार्य कर रहे थे उसके लिए महान के पात्र है। आपके ट्रस्ट द्वारा निरंतर गरीब बच्चों के असहाय हेतु आप कहीं ना कहीं शादी हेतु मदद करते आ रहे हैं, ये मदद आप किस अनुरूप में करते हैं, ये फंडिंग आप कहाँ से लाते हैं, अर्निंग का स्रोत क्या है? हम लोग विभिन्न इलाके में हर घर के महिलाओं को मेंबरशिप के तौर पर जोड़ते हैं कि आप अगर मेरे संस्था में मेंबरशिप लेकर के जोड़ते हैं तो आपके घर के महिलाओं को मैं आत्मनिर्भर बनाने हेतु पापड़, मोमबत्ती, अगरबत्ती, विभूषण, कलाड़ी, मशरूम, बड़ी, नैपकिन पैड किसी चीज़ का एक भी ट्रेनिंग एक चीज़ का ट्रेनिंग करा करके उसको स्वावलंबी बनाने हेतु हम लोग कार्य करते हैं। इससे महिला अपने आप में मजबूत बन सके और एक घर परिवार का हिस्सा बन सके।
अभी आपका ट्रस्ट झारखंड प्रांत में कितने जिलों में काज कर रहे हैं और उधर राज्य में कहाँ कहाँ काज कर रहे हैं? अभी हमारे झारखंड के साथ साथ झारखंड के 17 जिले में काम चल रहे हैं, इनके साथ साथ यूपी एवं बिहार में भी काम प्रारंभ हो चुका है। आगे की क्या कार्य योजना है? आगे का कार्य है कि हम बिहार झारखंड यूपी एमपी जहाँ भी हो मेरे संस्था के कार्य को विस्तार रूप से संचालित करना है और जिससे हर किसी को लाभ मिले, गरीब बच्ची का शादी हो, बच्ची को पढ़ाई हो, महिलाओं को रोजगार से जोड़ना हो, ये मेरे संस्था का मुख्य उद्देश्य है। सरकार की तरफ से आप क्या मदद की अपेक्षा करते हैं? सरकार को तो हम आवेदन दे चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के और सभी उपायुक्तों में आवेदन देते रहते हैं। आप देखिए सरकार का अपना मन जो रहा है वही विचार करें। बगल में सत्तारूढ़ पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बीस सूत्री जिला उपाध्यक्ष बैसे हुए हैं, आप इस संदर्भ में क्या अवगत करवाएंगे अपने ट्रस्ट के बारे में? हाँ, मैं तो ये मेरे बड़े भाई आदरणीय देवाशीष दा को मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी तरह से कोई भी सरकारी योजना को मेरे संस्था की ओर से जोड़ सके, क्योंकि इनके सरकार है, ये अभी माननीय जिला के बोकारो जिले के बीस सूत्री के उपाध्यक्ष भी है, अगर इनके द्वारा कुछ हमको सहयोग मिल जाए तो हम और अच्छे ढंग से संस्था को चलाएंगे।